लेकिन ये मुश्किलों से मुकाबला करने वाले लोग कामयाब होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी इंशाल्लाह कामयाबी देगा। और दूसरी बात ये आपसे कहना चाहूँगा कि रात को तो काफ़ी लोग जो है रात को नहीं आ सके, तो तीन चीज़ें थी जो हम रात को मैंने जो जिन चीज़ों का जिक्र किया वो दोबारा मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आपको तो देखा जैसे कि 40% यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरा ये कि इसकी जो हमने इसकी रखी है डाउन पेमेंट वो हमने रखी है 8 से 11% डाउन पेमेंट होगी, और आपको मद्देनजर रखते हुए बहुत हमने कम डाउन पेमेंट रखी है और 4 साल की एक साथ पे इसको हमने किया है और आसान एक साथ है उसकी 4 साल की। और जो मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहता जो सरप्राइज़ है वो ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमने ट्रेंड एक बनाया वो लोगों ने फॉलो किया है, ये हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हमें ये इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि जो भी हमने जिद्दत दी काम में लोगों ने उसको फॉलो किया, जो हमने पॉलिसीज लाई लोगों ने उसको फॉलो किया। आज एक और नई चीज़ जो है हम आप यहाँ पे आपको खुशखबरी सुनाने में जा रहा हूँ ये है कि आपको 50% पे पोजीशन मिलेगी और 50% पोजीशन लेके बाकी 2 साल के बाद बाकी आप अपने एक साथ दे सकेंगे। 2 साल के अंदर अंदर आपको पोजीशन मिलेगी 50% पे आप पोजीशन लेके अपना घर शुरू कर सकते हैं और बाकी एक साथ आप जो है 2 साल में अदा कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में आज तक तारीख में नहीं हुआ, तो ये सिर्फ बैरिया टाउन ने ट्रेंड सेट किया और ये इंशाल्लाह ये ट्रेंड इसी तरह फॉलो होगा, बाकी आने वाले जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वक्त की एक जरूरत अहम ज़रूरत है कि जब भी कोई इस इंडस्ट्री को ये बैरिया टाउन ने ये फैसला किया है, बैरिया टाउन ने ही आपको मौका फराहम किया है कि वो एक ऐसी चीज़ लाए जिसकी वजह से हमारे जो रियलिटीज हैं जो परेशान लोग हैं आजकल कि भाई काम नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ताला ये फिर दोबारा से काम शुरू होगा और फिर दोबारा से इंशाल्लाह ताला ये हम तरक्की करेंगे और फिर दोबारा से हम मिलजुल के इसको और ज़्यादा मज़ीद बेहतर करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 5 जनवरी से इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं हम। और एक और बात जो वेरी टाउन के पेज पर हमने एक फॉर्म भी लगा दिया कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कराची से भी हैं बाकी जो है शहरों से भी हैं जो कह रहे थे कि जी हमने भी हमें वेरी टाउन के बिजनेस पार्टनर्स बनाए उनके लिए अपने वो फॉर्म अपना अपने पेज पे अपलोड किया है, वो आप लोगों ने उसको फिल करना है और उसको ईमेल करना है और उस ईमेल के बाद हम लोगों से मिलेंगे फर्दन और इसी तरह हम इसको फैमिली को बढ़ाते जाएंगे ताकि किसी को ये एतराज़ ना रहे जी कि हमें वो मौका फराहम नहीं किया जाता, सबको मौके फराहम किए जाएंगे। ये सबका बैरिया टाउन है, किसी कुछ मखसूस बंदों का नहीं है, ये ज़रूर है कि मेरी जो टीम है उसका मैं हर जगह पर हर मौके पर हर इवेंट पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वो हैं तो मैं हूँ, वो हैं तो बैरिया टाउन है, उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे भी ये मुकाम दिया है कि कुछ लोगों का साथ 25 साल का है, कुछ लोगों का 15 साल का है, कुछ लोगों का 5 साल का है, लेकिन हमने कभी ये फ़र्क महसूस नहीं होने दिया कि ये नया बंदा है ये पुराना बंदा है, हर बंदे ने अपने काम करके दिखाया है, हर बंदे का अपना मकाम है और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी ये फैमिली बढ़ाता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आने वाले वक्तों में बैरिया टाउन जो ट्रेंड सेट करने जा रहा है वो देखें, आपने खुद देखा है कि जो बैरिया टाउन स्टेडियम बना रहा है, जो बैरिया टाउन अभी आप सेंट्रल पार्क का जो इफ्तिताह होगा आज, ये तो हमने ख्वाब देखे होते हैं, हम चीज़ें देख के आते हैं जी कि सेंट्रल पार्क अगर अमेरिका में बन सकते तो पाकिस्तान में क्यों नहीं था, तो इसी तरह ये चीज़ें आप जाके इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके सामने ये चीज़ें जो ये बड़ा एक ये होता है कि चीज़ बेचना कोई वो मसला नहीं है लेकिन चीज़ को संभालना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करना वर्ल्ड क्लास जो आपको स्टेडियम जो हम बना रहे हैं वो ICC जो अप्रूव्ड होगा, ये प्राइवेट सेक्टर में पहला स्टेडियम होगा इंशाल्लाह ताला तो जो ICC अप्रूव करेगी जिसको, इसी तरह जो आपने मॉस्क बना रहे हैं वो भी देखें ये आइकॉन है आप लोगों के लिए और आप लोगों को फ़ख्र होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान में ये वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मॉस्क। तो ये चीज़ें जो हैं ये बैरिया टाउन को क्रेडिट जाता है और बैरिया टाउन की देखा देखिए अल्लाह का शुक्र है कि बाकी लोगों ने भी तरक्की की, वो भी अच्छे काम करें, उनके लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो यहाँ पे हमने जिक्र करना भूल गए और वो अपने रात को फिर अपनी मीटिंग में वो भी की और उनको मैंने ये अपना कमिटमेंट भी दी कि ये आपने ज़रूर करवाना, उस कमिटमेंट ली मैंने कि यहाँ पे इंशाल्लाह हम एक वाटर पार्क बनाएंगे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर पार्क होगी, ये आप लोगों की ट्विन सिटी का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, जैसा ट्विन सिटी है उस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा और ये इंशाल्लाह सिटी इन द सिटी होता है जिस तरह पहले भी हमने किया है, जिस तरह अभी आपने VTK1 भी आपके सामने ही है, तो इसी तरह यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे देखें बैरिया टाउन को देख के अब काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स ऐसे इंटरनेशनल चेन्स जो हैं हॉस्पिटल्स की
और हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे से कोलेब्रेशन करना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। ये बैरियर टाउन की तरक्की का एक मुंह बोलता सबूत है। और इंशाल्लाह ताला अगर इंटरनेशनल फैसिलिटीज आप लोगों को जब फ्राहम की जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतने कम पैसों में ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। ये आप लोगों को मैं पहले भी एक चीज़ बावर करवा चुका था कि ये आप लोगों का तावन था, आप लोगों का साथ था कि जिसने बैरियर टाउन को, इस कराची को इतनी तरक्की दी, इतने कम मुद्दत में हमने इतनी बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई आपको। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम बीटी के टू में भी जारी रखेंगे, और हमारी टीम अगर हमने वो पिछला काम 5 साल में किया तो ये हम आपको इंशाल्लाह 3 साल में करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, 31 को यहाँ पे एक बड़ा म्यूजिकल इवेंट होगा, फायर वर्स होगा यहाँ पे, इसी साइड पे होगा, और आप सब लोगों को ओपन फॉर ऑल होगा। आप सब लोग यहाँ पे आए फैमिलीज के साथ आए, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और इसको ना आतिफ असलम को हमने स्पेशली यहाँ पे बुलवाया है 31 को, और आप फायर वर्क भी जो होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरीके में ऐसा फायर वर्क आपने नहीं देखा होगा जो इस्लाम में कर।